हेलो फ्रेंड्स, ये है हरिसन का बाहुबली। ये एक बूम स्टैंड है। जनरली इसको हम लोग एज ए लाइटिंग स्टैंड इस्तेमाल करते हैं, बट कभी कभार इसके ऊपर कैमरा लगा के हम लोग ओवरहेड फिल्मिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि इस समय मैंने सोनी के A6300 को इसके ऊपर लगा रखा है फॉर ओवरहेड फिल्मिंग। नीचे की साइड को एक इंडक्शन कुकर है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसको एज ए ओवरहेड स्टैंड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जनरली इस टाइप के जो स्टैंड हैं वो 4000 से लेके 5000, 10000, 20000 रुपये तक की रेंज में मिलते हैं। मतलब कि एज़ कम्पेयर टू आर ट्राईपोड ये काफ़ी महंगे होते हैं, बट जो क्वालिटी मिलती है ओवरहेड फिल्मिंग की वो काफ़ी बढ़िया मिलती है। तो डेफिनेटली अगर आप प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हो, रिव्यू करते हो, तो आपको इस टाइप का स्टैंड ले लेना चाहिए। ये जो स्टैंड है ये आया है कुछ इस टाइप के बॉक्स में, काफ़ी बड़ा बॉक्स कहा जाए या फिर कार्टन कहा जाए। अंदर बॉक्स के एक बैग है जिसमें ये स्टैंड आता है, साथ में एक सैंड बैग भी है और काउंटर वेट पार्ट। अगर आप कोई बहुत बड़ा कैमरा है 5-6 किलो का या फिर उससे भी बड़ा लगा रहे हो तो आप इस सैंड बैग का इस्तेमाल कर सकते हो दूसरी साइड को सपोर्ट करने के लिए। साथ में एक मैनुअल भी है। ये है हरिसन का बाहुबली, काफ़ी मजबूत स्टैंड है, अराउंड 4.5 किलो का है। काफ़ी लंबा है ये लाइट स्टैंड, अराउंड 11 फीट तक को चला जाता है। आप इसको एज ए लाइट स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ऊपर की साइड को अम्ब्रेला क्लैंप लगा के आप अपनी लाइट को अटैच कर सकते हो, अम्ब्रेला को अटैच कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर एक सेक्शन है जिसको आप ढीला करके इसको एज ए बूम स्टैंड भी बना सकते हो। आर्म को अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो। इसमें एक क्लैंप है जो कि जो सेकेंड रॉड है उसको लॉक किए हुए है। यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा और लंबा स्टैंड बन जाते हैं अगर आप इन सारे सेक्शन को खोल देते हो। अगर आपको आपका कैमरा भारी लग रहा है कि जो आर्म है ये नीचे की साइड दब रही है, तो आप दोस्तों पीछे यहाँ पर जो सैंड बैग रखा है उसको डाल दीजिए, नहीं तो दोस्तों अपना कोई भी काउंटर वेट डाल दीजिए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों हरिसन का बाहुबली बूम स्टैंड जिसको मैंने एज ए ओवरहेड कैमरा के लिए यूज़ किया है। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आए तो लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके इस स्टैंड को मंगवा सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये स्टैंड है काफ़ी महंगा है, तो मैंने दोस्तों एक बूम आर्म क्रिएट की है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस बूम आर्म के बारे में बताऊंगा कैसे आप इसको अपने आप बना सकते हो, नॉर्मल जो ओवरहेड फिल्मिंग है उसके लिए कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने ये जो बूम स्टैंड है ये कैसे बनाया है, आप मेरी आगे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये स्टैंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो इस वीडियो को लेके, इस स्टैंड को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार।